बढ़ते हैं आगे। मौसम की मार से किसान परेशान हैं ही, लेकिन अब नील गायों ने जहानाबाद में आतंक मचा रखा है। भारी संख्या में झुंड के झुंड पहुंचे नील गाय जहानाबाद के ग्रामीण इलाके में खेतों में लगी फसल को तबाह कर रहे हैं और किसानों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम की मार झेल रहे जहानाबाद के किसानों पर नीलगाय की दोहरी मार पड़ी है। जिले के सिकरिया, मांदे बीघा और कई गांवों के खेतों में लगी फसल को इलाके में आए नीलगाय तबाह कर रहे हैं। खेत में फसल का खाने से ज्यादा झुंड के रौंदे जाने से नुकसान हो रहा है। इस एरिया में है, सिकरिया एरिया में, और कुछ दाऊदपुर एरिया में भी है। यही नीलगाय मतलब बंट जाता है, इधर भी चला जाता है और उधर भी चला जाता है, जिसके कारण है कि फसल बहुत नुकसान मतलब हो रहा है रबी फसल में। क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाह रहा हूँ कि इसका कुछ निदान हो और गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी झूठा नीलगाय मतलब इस एरिया में चाहे इधर उधर है, इनको पकड़ करके अच्छा से रखा जाए कहीं, और कुछ किसानों के लिए मुआवजे वगैरह का जो प्रबंध है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। बड़ी संख्या में नीलगाय सिकरिया पंचायत में घूमते देखे जा सकते हैं, जो रबी की फसल के लिए तबाही लेकर आए हैं। इसके साथ ही आसपास के पंचायत में भी नीलगायों का झुंड काफी नुकसान पहुँचा रहा है। अब कितना के अब हमारी गिन ली सर की संख्या कितना के होगा? तो क्या कितना बर्बादी करता है सर? बर्बादी तो करता है कि जो दो दो कट्ठा, पच पच कट्ठा, सब चार चार जाए, दस दस कट्ठा खेते के खेत कितना के उजाड़ दे है। ना कहियो ना, हमने ढुकलिए जब से ना मामा जाए नीलगाय के चरा वाला ने नहीं दिया है। कितना दूर का अलंग है यहाँ? कहाँ से कहाँ तक चर जाता है सब? कहाँ कहाँ चल जाता है? कहाँ कहाँ सब जेवार सारी सागरों सागरों घूमता है, वो पट्टी चल जाता है, कहाँ ना चल जाता है। रातों रात कई एकड़ में लगी मसूर, खेसारी और गेहूं की फसल को नीलगायों का झुंड बर्बाद कर देता है। सुबह खेतों में बस अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए किसानों के टूटे बर्बाद हुए सपने मिलते हैं। कब परेशानी चार गले तब खत्म हो गया, अब कुछ कराएगा? अब उसका जन्म नहीं थे, पता नहीं गोबर भरा है, बच्चा क्या है, बच्चा कहां से आवा है। धान की फसल खराब होने के बाद किसानों को रबी की फसल से भरपाई की उम्मीद थी, पर उसे भी नीलगायों ने रौंद डाला। वहीं सरकार नीलगायों से होने वाले नुकसान की भरपाई भी नहीं करती, जिससे किसानों की कमर ही टूट गई है। किसान इस नुकसान की भरपाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ओमकार अवामी के लिए जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम की रिपोर्ट।